मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम गारंटी वारंटी देने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम सीधा एक्शन लेते हैं। हमने फसल बीमा योजना के 2900 करोड़ रुपया 49 लाख किसानों के बैंक खाते में डाले हैं और एक ही परिवार को बहुत सारी योजना का लाभ देते हैं। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से चर्चा की। फसल बीमा योजना के 2900 करोड़ रुपये 49 लाख किसानों के बैंक खातों में गए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पैसे भी 70 लाख किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए के हिसाब से चले गए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कई परिवारों को 5-5 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एक ही परिवार में आपको लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना की पात्रता रखने वाली महिलाएं मिल जाएंगी। अगर आप ओवरऑल निकालोगे कि कितना मिलता है तो आश्चर्यचकित हम रह जाएंगे कि कितना दे रहे हैं। 2900 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के 49 लाख किसानों के खाते में गए। ये बड़ी बड़ी राशि है, 2900 लगभग 3000 करोड़ रुपया। और तीसरे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पैसे भी 70 लाख किसानों के खाते में 2000 के हिसाब से चले गए। और कल ही हमने ये फैसला कर लिया कि अब सीधे किसानों का भी 1000 किया जाएगा। 6 और 4 10 था, अब 6 6 12 12 सीधे सीधे 12000 रुपया साल भर में। 12 बहनों के 12 किसान। अब आप सीधे गणित देखिए, जो किसान परिवार उसमें तो दोनों मिल रही, 5 एकड़ तक के किसान को लाडली बहना का मिल रही, मैक्सिमम वो ही है। तो 1000 भाई के और 1000 उनकी श्रीमती जी के, अपनी बहन के, 2000 तो सीधे सीधे पहुंच रहे हैं। एक बार आप असेस करो, एक परिवार में कई मिल जाएंगे, चाहे लाडली लक्ष्मी भी होगी या किसी और योजना का लाभ भी मिला। हमको करना चाहिए। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में अद्भुत है, कई परिवार को 5-5 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और ओवर आप निकालोगे ओवर आल कि कितना मिलता है तो आश्चर्यचकित हम ही रह जाएंगे, कितना तो दे रहे हैं। ये गारंटी फारंटी कहीं नहीं है, ये तो झूठी गारंटियां हैं, हम तो सीधे सीधे दे रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।